और अब खबर यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की। यहां एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है। स्वास्थ्य महकमे का पलक झपकते ही एम्बुलेंस पहुंचने का दावा पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है, तो कहीं सिर्फ चंद पैसों और अस्पतालों की लापरवाही की वजह से एक मां का कोख सूना हो गया। सरकारें गरीब जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तमाम दावे करती हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन दावों की जमीनी हकीकत को बयां करने के लिए काफी हैं। सवाल उठता है कि आखिर वक्त रहते जरूरतमंदों को मदद क्यों नहीं मिलती? क्या बीमार सिस्टम के आगे यूपी की जनता यूं ही दम तोड़ती रहेगी? यूपी के अस्पतालों का सियां सच। कहीं छेले पर बीमार बुजुर्ग, तो कहीं लापरवाही ने ली मासूम की जान। यूपी के बीमार अस्पतालों का इलाज कब? पल भर में एम्बुलेंस पहुंचाने का दम भरने वाले राज्य में एक बेबस बेटा अपने बीमार पिता को ठेले पर अस्पताल ले जाने को मजबूर है। ये तस्वीरें देश के सिस्टम पर करारा तमाचा हैं, जहां हम विकास और बदलाव की बात करते नहीं थकते। फोन करा कर रहा तो पहुंचा नहीं, कहीं कहीं शाम का आएंगे तो वही लावे पर ठहरा से तो कहीं कि शाम का आएगा, शाम का हम सुबह जल्दी आन नहीं कि ठेले से नहीं तो भी से लावा का। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब अस्पताल पहुंचने के बाद भी मरीज ठेले पर तड़पता रहा और किसी ने सुध तक नहीं ली, और मानवता शर्मसार होती रही और धरती के भगवान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। वहीं अब जिले का स्वास्थ्य विभाग कम एम्बुलेंस होने का हवाला दे रहा है और डॉक्टरों की संवेदना पर कार्रवाई की बात भी कर रहा है। जनपद को 108 और 40102 मिली हुई है, और जब कहीं इंगेज होता है या किसी पेशेंट को लेगा ऐसी परिस्थिति में, अगर मरीज को इमरजेंसी है तो उसको अपने साधन से ले आने पड़ सकता है, अदरवाइज तो कोशिश यही होती कि वो गाड़ियां ही जाएं और गाड़ियां ही लावें। तो हो सकता है ऐसी कोई परिस्थिति हो रही हो तो इसके लिए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक है कि इतनी हमारी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और मरीजों को सेवाएँ दे रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर से भी सामने आई हैं। यहां अस्पताल की लापरवाही और चंद पैसों ने एक मां की कोख उजाड़ दी। महज 5 दिन के मासूम की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की नर्स और स्टाफ ने चंद पैसों के लिए मासूम का सही तरीके से इलाज नहीं किया, जिससे उसकी मौत हो गई। 1000 रुपये मांगा तो हमने उनसे, मैडम मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, मैं आपको सुबह दे दूंगा, और बीच बीच में बच्चा बीमार रहता है इसलिए मैं यही रहूंगा, जब कुछ भी होगा बच्चे को मैं देखूंगा। लेकिन उन्होंने लॉक करके सो गई, वो उनको नॉक करते रहे रात में तकरीबन 17 बाद मैंने उनको नॉक किया, लेकिन उन्होंने एक बार वही पूरे मामले पर नींद से जागी स्वास्थ्य महकमे ने जाँच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है कि स्टाफ नर्स गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ 24 घंटे में उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही असंतुष्ट रहा अगर उसका वो, तो उसको टर्मिनेट करने की संस्तुति हम लोग जिलाधिकारी महोदय से कर देंगे। सरकार गरीब जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी सुविधाएं होने का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन तस्वीरें दावों की जमीनी हकीकत को बयां करने के लिए काफी है। सवाल उठता है कि आखिर वक्त रहते जरूरतमंदों को मदद क्यों नहीं मिलती? क्या बीमार सिस्टम के आगे जनता यूं ही दम तोड़ती रहेगी? गोंडा से अंबिकेश्वर पांडे, मिर्जापुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।